सरकार के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बनने वाला मध्याह्न भोजन पर अब संकट आता दिख रहा है। लगभग 6 माह से कन्वर्जन कॉस्ट न आने से बर्डपुर ब्लॉक अंतर्गत काशीपुर विद्यालय में बच्चों के बनने वाले भोजन को बनवाने के लिए वहां के प्रधानाध्यापक ने कल से मना कर दिया, क्योंकि मध्याह्न भोजन के लिए जो पैसे आते थे वो लगभग 6 माह से नहीं आ रहे हैं। काशीपुर में एक ही कैंपस में प्राथमिक व जूनियर विद्यालय के छात्र व छात्राएं पढ़ते हैं। वही दोनों विद्यालय में पंजीकृत बच्चों की संख्या लगभग 378 है। ऐसे में बच्चों के मध्याह्न भोजन का न बनने से बच्चों में मायूसी देखी जा सकती है। इस विद्यालय के सभी बच्चे मध्याह्न के समय अपने अपने घर जाते हैं भोजन करने। वही सड़क पर विद्यालय होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे सड़क पर दौड़ लगाते देखे जा सकते हैं। वही प्रधानाध्यापक से बात करने पर पता चला कि कन्वर्जन कॉस्ट लगभग 6 माह से नहीं आया है। अब हम किसी तरह से अब तक भोजन बनवाए लेकिन अब नहीं बनवा सकते हैं। अब दुकानदार भी सामान देने से मना कर रहे हैं, हम कहां से लेकर भोजन बनवाए। वही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन का पैसा 1-2 दिन में आ जाएगा, मध्याह्न भोजन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किस क्लास में पढ़ती हो? विद्यालय नाम बताओ अपने। विद्यालय काशीपुर। अच्छा, यहाँ खाना क्यों नहीं बन रहा है? खाना इसलिए नहीं बन रहा है, यहाँ पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है तो दिक्कत कितना आप सबको होती है? बहुत दिक्कत होती है। खाना के लिए आप कहाँ जाती हो? घर जाते हैं। घर जाती हो फिर घर से आती हो? हाँ। तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ। नाम क्या बेटा तुम्हारा? सरिता मौर्य। कौन से विद्यालय में पढ़ती हो? पूर्व माध्यमिक विद्यालय काशीपुर। किस क्लास में पढ़ती हो? 8। ये बताओ खाना नहीं बन रहा है यहाँ, कब से नहीं बन रहा है? कल से नहीं खाना बन रहा है। कल से खाना नहीं बन रहा है जी। आज भी नहीं बना होगा? आज भी नहीं बना है। किस कारण से खाना नहीं बन रहा है? मास्टर साहब कुछ बताए खाना क्यों नहीं बन रहा है? जी क्या कह रहे हैं कि खाना नहीं बन रहा है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा जब आएगा तो खाना बनेगा। तो इस स्थिति में आप लोग खाना कहाँ खाती हो? घर पे जाते हैं खाना खाने। मतलब जब इंट्रोल होता है तो घर जाती हैं? जी। फिर घर से वापस आते हैं विद्यालय? जी। कितना दिक्कत हो रहा है इसमें? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। बहुत दिक्कत हो रहा है। आराम से रख। किस विद्यालय पर तैनात हैं? पूर्व माध्यमिक विद्यालय काशीपुर। काशीपुर में। ये बताइए रसोई घर में ताला लगा हो क्या कारण है? सर ऐसा है कि रसोई घर में ताला लगेगा नहीं, जब यहाँ पे राशन पानी का कोई व्यवस्था है नहीं, राशन लेने जाते हैं लोग यहाँ राशन की दुकान पे तो पैसा भी नहीं भर पाते, पैसा आता नहीं है। तो कब से खाना नहीं बन रहा है? खाना 2 दिन से नहीं बन रहा है। मतलब कल से खाना नहीं बन रहा है? जी सर। तो ये कब तक नहीं बनेगा कुछ पता है आपको? अब जब पैसा मिलेगा, राशन वालों को पैसा दिया जाएगा तभी तो राशन वाला पैसा देगा। यहाँ इतने बच्चे हैं तो बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, तो इससे मार साहब कुछ कह नहीं रहे हैं कि उनको कन्वर्जन कास्ट मिलता ही नहीं है? आप लोगों का वेतन होता है? हम लोगों का वेतन जुलाई से भी बाकी है। कितने रसोईया आप हैं इसमें? तो हम लोग 7 रसोईया हैं। 7 रसोईया हैं। हाँ। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं इसका? तो कन्वर्जन कास्ट नहीं आया, आपका वेतन नहीं आया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मास्टर साहब लोग हैं। मेरा नाम है अब्दुल अजीज, इंचार्ज प्रधानाध्यापक। मेरे विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय काशीपुर। सर आपके विद्यालय पे एमडीएम नहीं बन रहा कल से, जैसा क्या कारण है? हमारे पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे कल बताया गया, जैसा कि उन लोगों ने पदाधिकारियों ने जिसमें मैं भी पदाधिकारी हूँ डीएसए साहब को ज्ञापन दिया गया कि जुलाई माह से हमारा कन्वर्जन कास्ट रसोईया मानदेय अभी तक अवशेष है, आज तक नहीं मिला। इस संबंध में जो है उनको ज्ञापन दिया गया, तो ये संगठन का आह्वान है कि जब तक मतलब कन्वर्जन कास्ट नहीं भेजा जाएगा तब तक कल से, पिछले जो बीता हुआ कल है तब से हम खाना नहीं बनवाएंगे। एक ही कैंपस में आपके प्राथमिक विद्यालय और जूनियर दोनों? हाँ, चल दोनों लोग हमारे दोनों। कितने बच्चे दोनों में होंगे? यहाँ 250 लगभग 350 बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बच्चों और को सारे लोग प्रभावित हैं। बच्चों को दिक्कत तो हो ही रहा होगा जी। अब उनको जो है अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इंट्रोल में उनको भूख लगती है तो वो मतलब कहते हैं सर हम घर जाएंगे तो फिर हम लोगों का जो है बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, कहीं छोटे बच्चे बाहर जाएंगे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो इससे हमारे ऊपर सारा जिम्मेदारी आएगी। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? इसका सारा जिम्मेदार जो है हमारा विभाग है, विभाग समय से जब धन उपलब्ध कराएगा तभी हम खाना बनवा पाएंगे, अन्यथा खाना नहीं बनेगा। उसके बाद तब तक खाना नहीं बनेगा।
जो भी बजट मध्यान्ह भोजन का प्राप्त हुआ था उसका भुगतान तस्मय कर दिया गया था। जो शेष बजट आया हुआ है वर्तमान में उसमें सितंबर माह तक का भुगतान के लिए पत्रावली इसमें जिलाधिकारी महोदय के पास भेजने हैं, तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास है और लगातार उनसे प्रयास किया जा रहा है। कुछ क्वेरीज उसमें लगाई गई हैं और उन क्वेरीज का जैसे निराकरण हो जाता है तत्काल खाते में करवाने का भेज दी जाएगी। सर, जो बच्चे वहाँ सर रोड पार करके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर वापस आते हैं, इसमें घटना घटना हो सकती है, इसमें फिर कितनी बड़ी लापरवाही? चूंकि जनपद में 2750 विद्यालय हमारे मध्याह्न भोजन से जो है लाभान्वित हो रहे हैं और पर्टिकुलर उस विद्यालय के विषय में चूंकि जानकारी मुझे नहीं आवाज द्वारा बताया जा रहा है, मैं देखभाल हुआ चूंकि अभी जनपद में लगभग सभी विद्यालयों में भोजन बन रहा है, बच्चे मध्याह्न भोजन विद्यालय में ही खा रहे हैं और वहां पर अगर ऐसा हो रहा तो थोड़ा सा जानकारी कर दूंगा।